नमस्कार। चंडीगढ़ में दिन दहाड़े गैंगरेप पीड़ित पर एसिड फेंकने का मामला सामने आया है। जिस वक्त लड़की पर हमला हुआ उस वक्त वो जुवेनाइल कोर्ट में अपने ही मामले की सुनवाई पर जा रही थी। बताया जा रहा है कि जुवेनाइल कोर्ट में उसका केस चल रहा है जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि कश्मीर के एक लड़के से सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती हुई, उसके बाद उसने लड़की को श्रीनगर मिलने के लिए बुलाया, जहां पर 4 से 5 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया, अश्लील फोटोज की ली। मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने आरोपी लड़के को अरेस्ट किया। कोर्ट ने 1 महीने के लिए उसे जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया। जमानत मिलने के बाद से वो 2 तारीखों पर हाजिर नहीं हुआ। लड़की के परिवार वालों का कहना है कि लड़की पर दबाव बनाने के लिए उसे धमकाया जा रहा है और आज जब वो सुनवाई के लिए जा रही थी उसी दौरान उस पर एसिड अटैक किया गया। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है पीड़ित की बहन, उनके वकील और सब पुलिस इंस्पेक्टर का। हमारी लड़की के साथ बार बार अटैक हो रहा है तो लेकिन पुलिस की बात है, आपको लग रहा है कि फेल लू और फेल लू? मुझे लग रहा है वो उसको झूठा साबित कर रहे हैं बार बार कि तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है। कोई अपने ऊपर क्यों केमिकल डालेगा? और कुंवारी लड़की है वो अपने ऊपर, उसको अपनी लाइफ खराब करनी है डाल के। उसका डॉक्टर कॉल प्रेस में गया, मुझे पुलिस वालों की कार्रवाई अच्छी नहीं लग रही है। वो हमें डरा रहे हैं तुम्हारे घर पुलिस भेजेंगे तो हम अपनी बेटी पे प्रेशर बनाते हैं, अपनी सिस्टर पे कि आप ये केस वापस ले लो। अभी मेरा भैया सुसाइड कर लेंगे अगर इसने कुछ किया। हमारे घर पुलिस गई, हमारे घर पुलिस रोज जाती है, रोज हमारे घर जाती है पुलिस। हमने मना किया हमारे घर पुलिस ना भेजी जाए, हम सुसाइड कर लेंगे, हमारी रिस्पेक्ट है समाज में। इस वक्त जो विक्टिम है उसकी हालत वो घबराई हुई है और वो शॉक में है और एक्सट्रीम शॉक में है और उसकी आंखों के आले दुआले थोड़ी थोड़ी ब्लैकनिंग है और उसके दोनों हाथों में ऐसे लग रहा है जैसे कोई ऐसी चीज़ फेंकी गई है जिससे वो उसकी स्थिति घबराई हुई है, मतलब उसको अनकंफर्टेबल फील कर रही है। मेरे पास जो विक्टिम है इसके 2 केस हैं, एक तो हाईकोर्ट में है, हमने हाईकोर्ट में याचिका डाली है, वो 18 जुलाई को लगी हुई है। उसमें हमने ये कहा है कि ये जो केस है इसको CBI या NIA को रेफ़र किया जाए क्योंकि इसमें पुलिस ने सारी की सारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको स्मैश कर दिया है। पुलिस स्टेशन 34 में एक रेप का केस दर्ज है तो उस केस की ट्रायल चल रही है जुवेनाइल कोर्ट में, तो आज उसकी डेट थी तो वो डेट को भुगतने के लिए जा रही थी तो रस्ते में ये हादसा हुआ। सेक्टर 25 आरोप अभी तक नहीं लगाए हैं, ना ही वो पहचानती है लड़को। वहाँ से किसी ने विटनेस ने बताया कि यहाँ पे 2 लड़के थे मोटरसाइकिल पे? नहीं, अभी तक कोई विटनेस नहीं।